उत्तर प्रदेश के अलावा बरेली में आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिमा को ढूंढ निकाला। बरेली में कूड़े के ढेर से में मिली पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा। बताते चलें, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाए जाने के बाद पिछले 4 दिनों से कांग्रेस के नेता गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं की जानकारी मिली कि मिशन कंपाउंड के कूड़े के ढेर में पंडित नेहरू की प्रतिमा पड़ी हुई है। देखिए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो प्रतिमा चौकी चौराहे पर स्थापित थी, आज ये किस दुर्दशा में यहाँ पड़ी हुई मिली। जब इसकी सूचना मिली हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी केपी त्रिपाठी, जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, और जब आप लोगों को इसकी सूचना मिली तो सभी लोग यहाँ आ गए। आज हम इनके समर्थन में, चूँकि हम लोग इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हैं, तो मैं आज इस धरने के माध्यम से यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारे देश की आज़ादी में जो योगदान दिया है, देश को बनाने में जो योगदान दिया है, तो उनकी आज ये दुर्दशा देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये घटना, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लिखकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग शामिल हैं, तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जो भी हो उसमें। सर, क्या मामला है जो यहाँ पर धरने बैठे हैं? हम पिछले 74 घंटे से अधिक समय हो गया है आमरण अनशन पर, चौकी चौराहे पर, गांधी प्रतिमा स्थल पर बैठे हुए थे। हम लोगों की मांग थी कि भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो मूर्ति आदमकद चौकी चौराहे पर स्थापित थी, वो अचानक फरवरी महीने में हटा दी गई थी। हमारी मांग थी कि ससम्मान उसको पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि फाउंडेशन बन चुका है। हमारा अनशन का आज 4th दिन है। हम 4 साथी, मैं डॉक्टर केवी त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे साथी जिलाध्यक्ष सम्मानित मिर्जा स्वाक सकलैनी साहब, जिला उपाध्यक्ष हमारे दिनेश दद्दा साहब, महासचिव उल्फत कठेरिया साहब, 4 लोग पिछले 74 घंटे से अनशन पे थे। अचानक सूचना मिली कि कूड़े के ढेर पर एक मूर्ति पड़ी है और आप लोग मूर्ति के लिए ही अनशन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आके बताया। तो हम लोग देखने आए तो पता लगा कि कूड़े के ढेर पे कोई मूर्ति पड़ी है और बंद है, लिपटी हुई है। तो हम लोगों ने कहा ये भारत रत्न पंडित नेहरू जी की मूर्ति नहीं हो सकती, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति ऐसी कूड़े के ढेर पर गंदगी में नहीं, ये कुछ और होगा। लेकिन चूंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, पता नहीं किसकी जमीन है, किसकी जगह है, यहाँ पे बहुत झाड़ी झंकाड़, जानवर कुत्ते यहाँ पर घूम रहे थे, गंदगी कर रहे थे, तो हमने अपने 4 क्रांतिकारी साथी रात में बिठा दिए कि मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। जब सवेरा हुआ तो कांग्रेस जन एकत्र हुए, सभी में रोष था, और आकर जब देखा तो देखा कि ये मूर्ति तो भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही है। उनको कूड़े के ढेर पर डाल रखा है, किस हाल में डाल रखा है, जिनके सम्मान के लिए हम और हमारे 4 साथी 74 घंटे से अधिक अन्न त्यागे बैठे हैं। प्रशासन की बेशर्मी और हठधर्मिता है कि वो बात करने नहीं आ रहा है। जिले की सभी आला अधिकारियों को सूचित किया कि नेहरू जी कूड़े के ढेर पर पड़े हैं, किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। हम लोग बहुत आहत हैं, सभी कांग्रेस जन बहुत आक्रोशित हैं। इस धरना स्थल पर अभी हमारा समर्थन करने के लिए आपने देखा हमारे साथ महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी साहब, समाजवादी पार्टी के सपा के सम्मानित महानगर अध्यक्ष सलीम खान सुल्तानी साहब, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मोंटी शुक्ला साहब, हमारे साथ समाज से भी बहुत लोग, हमारे साथ कलीम साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, अभी प्रदेश सचिव सुबलेश यादव साहब थे, समाज से भी सुबलेश यादव साहब हैं। बड़ी संख्या में यहाँ, सैकड़ों की लंबी संख्या है, इसलिए गलती हो जा रही। और 74 घंटे हो गए हैं अन्न त्यागे, अब शरीर और दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमारी मांग है कि नेहरू जी की प्रतिमा को ससम्मान स्थापित कर दिया जाए और हम उनको माला पहनाएं, प्रणाम करें और घर चले जाएं। हमारी कोई दूसरी मांग नहीं, कोई अन्य इच्छा नहीं, प्रतिमा स्थापित कर दी जाए, कूड़े के ढेर में इस गंदगी से उन्हें उठा लिया।